हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉप को बनाने के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक यूज किया है। आप फैब्रिक कोई भी यूज कर सकते हैं। अब फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसको टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये फैब्रिक की ओपन साइड और दूसरी साइड फोल्डिंग साइड है। तो पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए, वो दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। फोल्डिंग साइड से 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। आर्म होल सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे बैक आर्म होल की, और बैक आर्म होल की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करने के लिए 3.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे और अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग से ज्वाइन कर देंगे। ये टॉप का बैक आर्म होल है और ये फ्रंट वाला आर्म होल है। अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 1/2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। कमर की फिटिंग 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्जिन की मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक विड 3 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक की लेंथ 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद फ्रंट नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग कर ली है। अब बैक नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ सेम रखेंगे 3 इंच और बैक नेक की लेंथ 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। आप नेक का डिज़ाइन कोई भी यूज कर सकते हैं। टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बैक वाले आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे। बाद में फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और उसके आर्म होल से कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब मार्जिन वाली मार्किंग से कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा बचे फैब्रिक को निकाल देंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के एक साथ कटिंग कर ली है। अब इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और इसके फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से सेट करेंगे। अब इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, बस एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है नेक की, अब बस एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे।
टॉप के फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। अब टॉप के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। बॉटम पार्ट की लेंथ 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए, तो दोनों साइड सिलाई में जाएगा। दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरीके से इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब इसके सेंटर में कट लगाएंगे। दूसरी साइड भी सेंटर में कट लगा लेंगे। इस तरीके से इसमें प्लेट्स डालेंगे और टॉप साइड अटैच कर देंगे दोनों पार्ट को। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये ओपन साइड है और फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसको फोर लेयर में फोल्ड करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए, वो दोनों साइड सिलाई में जाएगा। दूसरी साइड भी 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। ओपन साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और फोल्डेड साइड लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद बाहर की तरफ मार्किंग कर लेंगे और एस शेप में आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम साइड 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसमें मार्जिन भी इंक्लूड है। अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। पहले आर्मोल साइड से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। सेंटर में कट लगाएंगे। दूसरी साइड भी सेंटर में कट लगा लेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। दोनों स्लीव्स उल्टी साइड से अंदर की तरफ रखी हुई है। अब स्लीव्स की फ्रंट साइड से 1/2 इंच की कटिंग करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स की फ्रंट साइड से कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अभी इस कॉर्नर पर स्लीव्स का टॉप पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। टॉप स्लीव्स को इसके ऊपर सेट करेंगे और दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग को ज्वाइन करेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और स्लीव्स की लेंथ 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 6 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग से इसकी कटिंग कर देंगे। पहले इस मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखे एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब दूसरी मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। बचे हुए फैब्रिक को निकाल देंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से स्लीव्स के बॉटम पार्ट की दोनों की कटिंग कर ली है। दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है।
मैंने 1.5 इंच और 8 की स्ट्रिप कट कर ली है। इसको दोनों नेक पर अटैच कर लेंगे, इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद नेक पर इसको अटैच कर लेंगे। डिज़ाइनर टॉप की कटिंग कंप्लीट कर ली है, अब इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। टॉप के फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से राइट साइड से रख लिया है और एक की स्ट्रिप को सेंटर से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इसको नेक पर अटैच करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं नेक पर और एक की स्ट्रिप को कट कर लगा लिया है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जिस नेक इजिली फोल्ड हो जाएगा। सेम तरीके से दूसरे वाले नेक पर भी और एक की स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट नेक को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया फिनिशिंग के साथ। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे, शोल्डर को शोल्डर पर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है सिलाई लगा के। अब बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। मैंने टॉप का बॉटम पार्ट ले लिया है, अब इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। बॉटम पार्ट के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लिया है और इसके दोनों कॉर्नर पर 2 इंच मार्जिन फैब्रिक छोड़ दिया था सिलाई के लिए। ये जो धागा है इसको इस तरीके से खींच लेंगे। धीरे धीरे इस धागे को खींचते जाएंगे और इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बनती जाएंगी और प्लेट्स को बराबर कर लेंगे इस तरीके से। सेम तरीके से दूसरी साइड से भी धागे को खींच लेंगे और इसमें बराबर प्लेट्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बराबर प्लेट्स बना ली हैं और जो ये प्लेट्स बनाई है वो टॉप पार्ट की बिल्कुल बराबर बनानी है। तो इस तरीके से इसको अटैच करके देख लेंगे, बिल्कुल बराबर है टॉप पार्ट के जितनी। और सेम तरीके से इसके बैक पार्ट में भी प्लेट्स बना ली हैं। अब बॉटम पार्ट को राइट साइड से रख लिया है, टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड करते हुए रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है सिलाई लगा के। सेम तरीके से बैक वाले पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स रेडी करेंगे। टॉप स्लीव्स को तरीके से राइट साइड से रखेंगे और बॉटम स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया, टॉप और बॉटम को अटैच कर लिया है। बॉटम साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स को बॉटम साइड से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और इसके टॉप और बॉटम के बीच में भी सिलाई लगा ली है। अब स्लीव्स को टॉप पर अटैच करेंगे। टॉप को राइट साइड से फैला कर रख लिया है। अब इसके ऊपर स्लीव्स रखेंगे, स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, इस तरीके से स्लीव्स को फोल्ड करते जाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे वाले स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। टॉप के ऊपर दोनों स्लीव्स को फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। टॉप को उल्टी साइड से रख लेंगे। टॉप को उल्टी साइड से रख लिया है और इसके दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज इसके ऊपर दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। टॉप के दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। अब टॉप को बॉटम साइड से फोल्ड कर लेंगे। टॉप को पहले 1/2 इंच फोल्ड किया, उसके बाद 1/2 इंच और फोल्ड के इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। मीडियम साइज के टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज के टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।